ज़्यादातर बच्चों से ना ये क्वेश्चन गलत ही हो रहा है एपी का। रीज़न क्या है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में हमें एपी लेट करनी पड़ती है। तो अगर तुम्हें किसी भी एपी में तीन टर्म लेट करने हैं तो तुम लेट करोगे ए ए प्लस डी ए माइनस डी, और अगर तुम्हें चार टर्म लेट करने हैं तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा ए प्लस डी ए माइनस डी ए, फिर आगे जाने के लिए ए प्लस थ्री डी, दो जोड़ना ए माइनस थ्री डी। ऐसे ही अगर ये तीन की जगह पे यहाँ पे पाँच हो जाए ना, मतलब जब ये ऑड नंबर का क्वेश्चन बन रहा हो, तो तुम लिखना यहाँ पे ए प्लस टू डी ए माइनस टू डी। और इसमें अगर फिर छः हो जाए तो हम क्या करते हैं ए प्लस फाइव डी ए माइनस फाइव डी, इस तरीके से। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें क्या करना है एक्चुअली। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ फोर टर्म्स ऑफ एन ए पी सच दैट द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ टर्म टू द सेकेंड एंड द थर्ड टर्म इज 2:3 एंड द सम ऑफ द फोर टर्म्स इज 20। हम चार टर्म लेट करेंगे, वो चार टर्म कौन कौन से होंगे, ए प्लस डी ए माइनस डी ए प्लस थ्री डी एंड ए माइनस थ्री डी, हम ये लेट करेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इन चारों का जो सम है हमारे पास वो आ रहा है 20, तो ये कट जाएगा इससे, यानी कि 4a इक्वल टू आ जाएगा 20 और a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। अगली कंडीशन, फर्स्ट का फोर्थ के साथ रेशियो, फर्स्ट का फोर्थ के साथ रेशियो a माइनस थ्री डी और a प्लस थ्री डी, फर्स्ट सॉरी रेशियो नहीं, फर्स्ट का फोर्थ के साथ प्रोडक्ट, सेकेंड का थर्ड के साथ जो प्रोडक्ट है उनका रेशियो, यानी कि a माइनस डी ए प्लस डी, इसका जो रेशियो है वो है 2/3। तो सॉल्व करते हो हम इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 2/3। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 3a स्क्वायर, ये हो जाएगा 27d स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 2d स्क्वायर। अब टर्म्स को से इधर ले आओ, ए वाले को इसको वहाँ जा भेज दो, यहाँ से कितना बच गया हमारे पास ए स्क्वायर, यहाँ से कितना बच गया हमारे पास 25d स्क्वायर, तो डी स्क्वायर का आंसर कितना हो गया ए स्क्वायर अपॉन 25। अब ए की वैल्यू क्या आई थी 5, तो 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 25, आंसर कितना हो गया हमारे पास 1, पर ये स्क्वायर है, रूट लगाएंगे तो दो आंसर आते हैं। अब इसका आंसर यहाँ पर डी की वैल्यू ये तो आ गई, पर अभी ध्यान रखना कॉमन डिफरेंस ये नहीं है, अभी ये दोबारा आगे को चलेगा क्वेश्चन। आप देखो हमें निकालना है, हम इन दोनों का निकाल लेते हैं a माइनस डी ए प्लस डी, अभी हम प्लस वन लेते हैं, दोनों से आंसर सेम ही आएगा वैसे, तो हम इसको यहाँ पे ध्यान से रखेंगे। तो a की जगह पे हम वैल्यू कितनी रख देंगे, ये 5 माइनस 1, तो आंसर हो जाएगा 4, 5 प्लस 1 6। अब d का कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका क्या होता है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस, तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 2। तो मान लो इसके अलावा अगर ये सॉल्यूशन आगे करना है तो एक और चीज़ कर सकते हैं, अगर हमने यहाँ पे a की जगह पे रखना 5 ही है पर d की जगह पे -1 रखा तो +1, यहाँ पे तो यहाँ तो हो जाएगा 6, यहाँ 4, तो उस समय जो कॉमन डिफरेंस होगा वो -2 का आएगा। तो मल्टीपल चॉइस में देख लेना, अगर ±2 लिखा है तो सही है फिर आंसर वहाँ पे, अगर सॉल्यूशन करना है तुमने तो तुम इस तरीके से करके आ सकते हो, और अगर नंबर्स फाइंड आउट करने हैं तो इन पे रख देना वैल्यूज़ को, एक बार +1 रखना एक बार -1 रखना, ठीक है।